नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैवेलियर पॉट्स। इंग्लिश लिटरेचर में कैवेलियर पॉट्स का भी काफ़ी योगदान है। तो क्या होते हैं कैवेलियर पॉट्स, आज हम देखते हैं। जब हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं तो इंग्लिश लिटरेचर को अलग अलग एज में बांटा गया है। तो हम अलग अलग एज को जब हम पढ़ते हैं, तो जब हम कैवेलियर पॉट्स पढ़ते हैं तो हमें एक एज पढ़नी पड़ेगी, और वो एज है हमारी प्यूरिटन एज। प्यूरिटन जो एज है हमारी इंग्लिश लिटरेचर की, वो प्यूरिटन एज जो है वो 1625 से शुरू होती है और 1660 तक चलती है। जब हम बात करते हैं प्यूरिटन एज की, प्यूरिटन एज के जो पॉट्स हैं उन पॉट्स को हम तीन भागों में बांटते हैं। सबसे पहले फर्स्ट है, ये प्यूरिटन एज के पॉट्स की हम बात करते हैं। फर्स्ट जो पॉट्स है वो होते हैं हमारे स्पेंसरियन पॉट्स। स्पेंसरियन पॉट्स, और जो सेकेंड जो होते हैं हमारे वो होते हैं कैवेलियर पॉट्स। कैवेलियर पॉट्स, फर्स्ट स्पेंसरियन पॉट्स, सेकेंड कैवेलियर पॉट्स, और थर्ड मेटाफिजिकल पॉट्स। थर्ड मेटाफिजिकल पॉट्स, इन तीनों के बारे में एक बार थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं, बाकी हम आज थोरोली डिस्कस करेंगे कैवेलियर पॉट्स के बारे में। तो जो स्पेंसरियन पॉट्स थे वो ऐसे पॉट्स थे जिनके लिखने की जो स्टाइल थी वो स्पेंसर से मिलती जुलती थी। ठीक है, वो स्पेंसरियन स्टेंजाज में लिखते थे, स्पेंसर जैसे लिखते हैं उस स्टाइल में ये लिखते थे, ये थे स्पेंसरियन पॉट्स। और उसके बाद आ जाते हैं कैवेलियर पॉट्स, जिनके बारे में आज हम थोरोली चर्चा करेंगे, और उसके बाद आ जाते हैं मेटाफिजिकल पॉट्स। मेटाफिजिकल जो पॉट्स होते थे वो मेटाफिजिकल कंसीट का यूज करते थे। तो स्पेंसरियन पॉट्स और मेटाफिजिकल पॉट्स के बारे में हम फिर आगे कहीं किसी वीडियो में देखेंगे, आज हम देख लेंगे है कैवेलियर पॉट्स। तो क्या होते हैं, क्या थे कैवेलियर पॉट्स, या कौन थे कैवेलियर पॉट्स? तो जो कैवेलियर पॉट्स थे वो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट थिंग कि ये सपोर्टर थे। सपोर्टर्स ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, ये चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्टर थे। आप सेकेंड जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो है इनको ट्राइब्स ऑफ बैन कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता था, ट्राइब्स ऑफ बैन, या कहीं ना कहीं ऐसा भी लिखा होता सन ऑफ सन्स ऑफ बैन, क्योंकि इनके लिखने की जो स्टाइल थी जैसे स्पेंसरियन पॉट्स थे उनके स्टाइल स्पेंसर के जैसे थी, वैसे कहीं ना कहीं इनकी जो स्टाइल थी वो बेन जॉनसन के जैसे थी। थर्ड जो इम्पोर्टेंट थिंग इनके लिए थी कि ये हमेशा लाइफ की जो लाइटर साइड होती है उसको रिफ्लेक्ट करते, तो रिफ्लेक्ट द लाइटर साइड ऑफ लाइफ एंड लिटरेचर। ये लाइफ की लाइटर साइड को, लिटरेचर की लाइटर साइड को रिफ्लेक्ट करते थे। तो जब हम बात करते हैं कैवेलियर पॉट्स की, तो आपको तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि सबसे पहले तो ये चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्टर थे, सेकंड ये इनको ट्राइब्स ऑफ बैन या सन ऑफ बैन कहा जाता है, और ये लाइफ की रिफ्लेक्ट लाइटर साइड को ये रिफ्लेक्ट करते। अब हम देख लेते हैं कि मेन कैवेलियर पॉट्स कौन कौन से थे, कौन कौन पॉट्स थे जो कैवेलियर पॉट्स थे। सबसे जो पहला नाम आता है वो आता है रॉबर्ट हैरिक्सन का। रॉबर्ट हैरिक इंपॉर्टेंट कैवेलियर थे। इनका एक वर्क है हेस्प्राइट्स। सेकंड जो इंपॉर्टेंट कैवेलियर्स आते हैं उनका नाम है थॉमस क्रूसाब। थॉमस क्रीव सेकेंड कैवेलियर्स, इंपॉर्टेंट कैवेलियर्स है जिन्होंने
दो पोएम इनकी इंपॉर्टेंट है, टू सेक्सम एंड ए रैप्चर। थॉमस क्रियू जिनकी दो इंपॉर्टेंट पोएम्स है, टू सेक्सम एंड ए रैप्चर। कैवेलियर पोर्ट्स में जो थर्ड नंबर पर आते हैं, जो तीसरे नंबर पर आते हैं वो है सर जॉन सकलिंग। सर जॉन सकलिंग, सर जॉन सकलिंग का एक प्ले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इन्होंने एक प्ले लिखा जिसका नाम है एग्लोरा। इम्पोर्टेंट प्ले है इंग्लिश लिटरेचर के हिसाब से देखा जाए तो। फोर्थ नंबर पर जब हम बात करें तो नाम आता है रिचर्ड लवलेस का। रिचर्ड लवलेस ने भी काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्क्स दिए हैं इंग्लिश लिटरेचर को। इन्होंने एक ट्रेजडी लिखी थी, ट्रेजडी थी वो थी सोल्जर। एक कॉमेडी लिखी इन्होंने, ट्रेजडी थी इनकी सोल्जर, और कॉमेडी जो थी इनकी वो थी स्कॉलर। ट्रेजडी इनकी सोल्जर थी, कॉमेडी इनकी स्कॉलर थी, और जो पोइम थी वो इनकी थी एल्थिया। इनकी एक पोइम थी एल्थिया। तो ये हमारे कैवेलियर पोर्ट्स थे जिनमें रिचर्ड लवलेस ने एक ट्रेजडी लिखी थी सोल्जर, कॉमेडी लिखी थी स्कॉलर, और पोइम लिखी थी एल्थिया। सर जॉन सकलिंग ने अग्लोरा लिखी थी। तो ये थे हमारे कैवेलियर पोर्ट्स। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।